आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अब आप बताइए, 21 साल हो गए राज्य बने हुए, एक राजधानी का फैसला आप नहीं कर पाए, एक रोजगार नीति आप नहीं बना पाए, एक अच्छा सख्त भू कानून नहीं बना पाए। हमने राज्य बनाया है, हम ही इसे बचाएंगे, ये हमारा नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, आपके साथ मैं हूं अंकित कला। उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की क्या कुछ तैयारी है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है जय भारत। धन्यवाद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आपने कहा किस तरीके की लहर उत्तराखंड में इस समय है, जिस आप जगह जगह जा रहे होंगे, सभी विधानसभाओं में देख रहे हैं। देखिए, जनता इस बार 2022 के चुनाव में परिवर्तन का मन बना चुकी है, उसी के अनुरूप हम भी अपनी रणनीति तैयार करके जनता के बीच में जा रहे हैं। परिवर्तन से मेरा मतलब ये नहीं कि भाजपा को कांग्रेस, भाजपा से परिवर्तन करके कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, ऐसा नहीं परिवर्तन कर जा रहे हैं। इन दोनों दलों ने अभी तक 21 साल हो गए राज्य को बने हुए, जिस हालत में उत्तराखंड राज्य को पहुँचा दिया है उससे लोग आगे जा चुके हैं। अब आप बताइए, 21 साल हो गए राज्य बने हुए, एक राजधानी का फैसला आप नहीं कर पाए, एक रोजगार नीति आप नहीं बना पाए, एक अच्छा सख्त भू कानून नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश के पास हमारे 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्ति जब्त है, उसको आप नहीं ला पाए तो इस राज्य का भविष्य क्या होगा। इसलिए चिंता है लोगों को, और इसीलिए वो परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जनता का रुझान है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, हम उत्तराखंड के अगर हम इतिहास को देखेंगे, बीते 21 सालों में आप लगातार, पहले उसमें आप यूकेडी ने ठीक भी किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार पतन हो रहा है, आप क्या वजह मानते हैं, क्या यूकेडी की समय दिशा और दशा? देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, अब उसको डिटेल में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ, ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारी गलती होगी, हमारी कमी रही होगी कि हम जनता को वो विश्वास नहीं दिला पाए कि हम आ सकते हैं, इस राज्य में सरकार बना सकते हैं। अभी हम उस तैयारी में हैं, और अभी जनता के सामने इसी बात को लेकर हम जा रहे हैं कि ये हमने राज्य बनाया है, हम ही इसे बचाएंगे, ये हमारा नारा है इसका परिवर्तन के उसमें। और हम जनता से ये कह रहे हैं कि ये राज्य हमने बनाया है आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के बलिदान से, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, अभी आपने पहली सूची तो प्रत्याशियों की निकाल दी है, बाकी औरों के नाम कब तक आप करने वाले? एक सूची हम कल निकालेंगे, और उसके बाद फिर जो बचेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि कुछ दलों के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले दल हैं, और यहाँ तक कि जो CPI CPM वाले लोग हैं, CPML लोग हैं, उनसे भी मैंने कहा है कि आप कौन कौन सीट है, तो हो सकता कुछ सीटें उनको भी हम लोग छोड़ेंगे, इसलिए हम वो आखिरी लिस्ट हम बाद में निकालेंगे, एक लिस्ट हम कल निकालेंगे, एक लिस्ट आप कल निकालने वाले। आप देख रहे हैं सर, उत्तराखंड में किस तरीके का सियासी घटनाक्रम हो रहा है, अभी हरक सिंह रावत जी को हटा दिया गया है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, आप वो कांग्रेस में जा रहे हैं, BJP में आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये राजनीति का बहुत बड़ा विद्रूप है, ये विडंबना है कि इस छोटे से राज्य में एक दल से दूसरे दल, एक शाख से दूसरे शाख में जाके इस तरह से अस्थिरता पैदा करके, और बिना किसी ये कहना चाहिए कि सिद्धांत के, बिना किसी उसके आप राजनीति कर रहे हो, तो आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? इस राज्य को लूटना चाहते हैं, अपना को कुर्सी में बरकरार रखने के लिए आप सारे हदें पार कर देते हो, ये बहुत ही घृणित मैं समझता हूँ कदम है, लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी बात है, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन राज्य के हित में ये नहीं है। आप इस समय देख रहे हैं कि 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भी है, आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस तो है ही, राष्ट्रीय दल भी, तो इन राष्ट्रीय दलों से, फिर दिल्ली की पार्टी से, इससे आप लोग कैसे पार पाएंगे, किस तरीके से? नहीं, हमारा तो एक ही बात है भैया कि दिल्ली वाले दल जो हैं वो उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से जो भी दलों के यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं वो यहाँ उनके अपने दलों के हाईकमांड के मुनीम होते हैं, वो हाईकमांड की सोच से काम करते हैं, हाईकमांड के इशारे से काम करते हैं, यहाँ की जनता के आवश्यकताओं से या जनता के सरोकारों से उन्हें लेना देना नहीं है। इसलिए हम जनता को ये भी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वाले दलों को हटाओ और उत्तराखंड के लोगों के दल को, उत्तराखंड का दल को लाओ। इस बार काशी सिंह एरी जी चुनाव लड़ेंगे या लड़ाने जा रहे हैं?
मैं पूरी तरह से मुतमयन हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि दल में अभी भी कई कसमसा है, दल चाहता है कि मुझे भी कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए, तो आखिर में जो फैसला दल करेगा उसके मुताबिक मुझे चुनाव लड़ने से दल को फ़ायदा होगा लड़ूंगा, चुनाव लड़ाने से दल को फ़ायदा होगा लड़ाऊंगा। परिस्थितियों के हिसाब से आप निर्णय लेंगे। जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे UKD के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंगेरी जी, जिन्होंने बताया कि साल 2022 के इलेक्शन के लिए UKD पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके का अभी तक के हालात उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए सही नहीं है। अब ये तो वक्त बताएगा कि आखिर UKD की जो तैयारी है वो कितना साल 2022 के इलेक्शन में कितना देखने को मिलती है। फिलहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं अंकित काला, जय भारत TV।